हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बीच में मैंने कुछ क्लासेस लेनी बंद कर दी थी ऑनलाइन में, क्योंकि आप जानते हैं कि चीज़ें फिर ऑफलाइन मोड में चलने लगी थी। तो अब फिर से कोविड के कारण अब ऑनलाइन मोड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से मैं एक चैप्टर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये चैप्टर क्या है बच्चों, देखिए केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअल में है होता क्या है। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जो है बच्चों, थोड़ा आप लोगों को राइटिंग में इस बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफी समय से मैं इस क्लास लिया नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम आपको आए, मगर थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। देखिए केमिकल काइनेटिक्स बच्चों होता क्या है, आपको मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, आज तक आपने जो भी रिएक्शन पढ़ी है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने, ए प्लस बी आपने एक रिएक्शन करवाई और यहाँ पे प्रोडक्ट आपका सी फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट सी फॉर्म। तो अगर बच्चों A प्लस बी से आपका प्रोडक्ट C बना है, तो इस रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है, मतलब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये किस तरीके से होगी, ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स से पता चलता था, ठीक है, ये आपको थर्मोडायनामिक्स से पता चलता था। आप जानते थे कि डेल्टा जी हमारे पास जब नेगेटिव होता था तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता था। अगर डेल्टा जी हमारे पास कभी भी पॉजिटिव आता था, तो पॉजिटिव आने पर जो रिएक्शन होता था वो नॉन स्पॉन्टेनियस मोड में होता था, ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस मोड में होता था। और डेल्टा जी की वैल्यू जब जीरो आती थी, तो आप जानते हैं बच्चों कि जो रिएक्शन चलता था वो इक्विलिब्रियम पे चलता था, ठीक है। तो ये तीन बातें या ये और सारी बातें भी हमको थर्मोडायनेमिक्स से पता चलती थी, ठीक है, ये बातें हमको थर्मोडायनेमिक्स पता था। अब आपने जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर था। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या समझा था, केमिकल इक्विलिब्रियम हमको बताता था, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती थी, यानी ए प्लस बी मिलकर आपका सी बनाता था। तो इस चैप्टर या इस टॉपिक से हमको क्या पता लगता था, इस टॉपिक से हमको एक्सटेंट, प्रोडक्ट का एक्सटेंट पता चलता था कि ये कितना बनेगा, समझ रहे हैं आप, ये कितना अमाउंट हमारे पास, ये रिएक्शन कितनी होगी, कितना प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा, ये हमको केमिकल इक्विलिब्रियम बताता था, ठीक है, ये हमको कौन बताता था, केमिकल इक्विलिब्रियम बताता था। अब बात कर रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है, जो कि क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा क्या है जो ये चीजें नहीं बताती हैं, जो ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स हमको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हमको बताता है कि अगर कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी से सी बना रहा है, ए प्लस बी से आपका सी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो इससे ए प्लस बी से सी बनने की स्पीड कितनी होगी या प्रोडक्ट कितनी देर में आपका फॉर्म होगा, ये आपको कौन बताता है, ये आपको बताता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए एक्चुअल में आप किसी भी चीज को, केमिकल काइनेटिक्स को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए केमिकल काइनेटिक्स को इस तरीके से समझा जा सकता है कि बच्चों अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, देखिए रिएक्शन के टर्म में अगर मैं बेसिक बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है भाई, केमिकल काइनेटिक्स होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम पीरियड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये होता है आपका स्पीड। तो सर केमिकल काइनेटिक्स के वे में हम इसको कैसे कहेंगे, देखिए बच्चों रिएक्शन देखो एक कंपार्टमेंट में चल रही है, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे ये डिस्टेंस कोई ट्रेवल नहीं करेगी, तो इस एक रिएक्शन के वे में हम इसको कैसे कहेंगे,
रिएक्शन के वे में हम इसको कहेंगे कि सर अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम में डिकम्पोज होके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करती है, वही है आपका रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स में सर हम यही डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी रिएक्शन कितने देर में प्रोडक्ट फॉर्म करती है ये सारी बातें हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। सर ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है रेट से। स्पीड को केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में हम रेट बोलते हैं। ठीक है, और रेट क्या होगा सर, रेट होगा आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब आपकी ए और बी कंज्यूम होके कितनी देर में सी बना रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने बच्चों कुछ इस तरीके का एक टाइमर तो देखा होगा जिसमें आपका क्या भरा रहता है, रेत भरा रहता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को इसी तरीके से समझिए कि अगर बेटा इधर से जितना भी खत्म होता जाएगा तो इधर वाले सेक्शन में बनता चला जाएगा। तो आपका रेट भी कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है ए और बी ये जितना डिकम्पोज होंगे उतना कौन फॉर्म होगा, सी फॉर्म होगा, और जितनी देर में होंगे यही आपका रेट कहलाता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए ए की तो ए की वे में हम कैसे कहेंगे, नेगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा मैंने ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों इस्तेमाल किया है, नेगेटिव का मतलब है बच्चों नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिफाइन करता है आपके डिकम्पोजिशन को, यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, उसका अमाउंट लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जिस कारण से हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बी के रिस्पेक्ट में कैसे मैं रेट लिखूंगा, तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और अगर मैं सी के टर्म में रेट डिफाइन करूंगा तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सर ये ए बी सी क्या है, सर ये ए, ये जो ए लिखा हुआ है ये डेल्टा ए जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और बी ऐसी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और सी क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिफाइन किया जाता है या लिखा जाता है। सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर बच्चों आप लोगों को बताना है कि PCl5 को हीट अप करने पे थोड़ी सी हीट अगर इसको मिलती है तो ये PCl3 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है, तो आप मुझे इसके लिए रेट डिफाइन कीजिए, रेट आप कैसे इसके लिए लिखेंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप किस तरीके से रेट डिफाइन कर देंगे, R इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी और इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से आप एक बेसिक केमिकल रिएक्शन के लिए रेट डिफाइन कर सकते हैं, यानी रेट क्या है सर, कितनी देर में ये रिएक्शन हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेट। ठीक है, ये रेट कहलाता है। अगर मैं बात करूं सर आपके पास अगर कोई एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ जाए कि सर 2A प्लस 3B मिलकर आपका 4C बना रहे हैं, तो आप इसके लिए अगर आपको बच्चों रेट डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो रेट का जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो रेट का बेसिक फॉर्मूला होता है डेल्टा सी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन। व्हाट इज सी, सी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। सी क्या है, सी बेटा ये वाला सी नहीं लिखा हुआ है ये मैंने, ठीक है ये ए के लिए भी है, ये बी के लिए भी है और ये सी के लिए भी, ये एक जनरल फॉर्मूला है रेट का। ठीक है, एक्चुअल में रेट का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन स्टोमेट्रिक कोफिशियंट, और स्टोमेट्रिक कोफिशियंट कौन से हैं, ये जो 2, 3 और 4 ए बी सी के आगे लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोमेट्रिक कोफिशियंट। तो फिर मैं अगर इस रिएक्शन के लिए रेट डिफाइन करूं तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन 2 डेल्टा टी, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर बात की जाए 3B के लिए तो 3B के लिए आ जाएगा नेगेटिव डेल्टा बी अपॉन 3 डेल्टा
ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन 4 डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से आप एक बेसिक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, रेट डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका एक बेसिक केमिकल रिएक्शन के लिए रेट हो गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात शायद आपकी बेसिक रिएक्शन के लिए आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक। अब आपको मैं बहुत बेसिक डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आप इतनी बातें मेरे हिसाब से जानते होंगे कि रेट, देखिए जो रिएक्शंस होती हैं वो तीन टाइप की होती है बच्चों। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन तीन टाइप की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है जो एक होती है आपकी वेरी स्लो टाइप रिएक्शन है, एक जो बहुत स्लो होती है, एक जो वेरी फास्ट होती है, और एक टाइप की रिएक्शन होती है आपकी मॉडरेट रिएक्शन है, जो जो आपकी ना तो बहुत ज्यादा तेज चलती है और जो बहुत ज्यादा ना ही स्लो चलती है। तो ये बीच की रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन। मैं आपको इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हो जाएंगी। ठीक है, आपको मैं अब रेट ऑफ रिएक्शन पर लेके चलता हूँ। रेट हमने देख लिया, एक बेसिक रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है। अच्छा, रेट कितने टाइप का होता है बच्चों? रेट होता है दो टाइप का। आपने रेट की बातें की हैं तो रेट देखिए, रेट आप केमिकल रिएक्शन का लिखना हमें आ चुका है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि रेट बच्चों दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक होता है आपके पास एवरेज रेट, एक होता है आपके पास एवरेज रेट, और एक होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, तो ये दो टाइप का रेट आपका डिफाइन होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। देखो बच्चों, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल आपको देख चलता हूँ कि भाई आपके पास एक व्हीकल है, या बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, और आपने ट्रेवल किया है 500 किलोमीटर का। ठीक है, और आप 500 किलोमीटर आपने 20 आवर्स में तय कर लिया है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 500 किलोमीटर आपने 2 घंटे में तय, 20 घंटे में तय कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 4 और ये 20। ठीक है, ठीक है भाई, सॉरी, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 2 × 10। ठीक है, तो आपने क्या किया, 25 किलोमीटर पर आवर आपने तय कर लिया। ठीक है, 25 किलोमीटर आपने पर आवर की स्पीड तय की है। तो बच्चों आप समझिए कि अगर आप 20 घंटे 20 आवर आपने लगातार ड्राइविंग की है, तो बच्चों आपने हर घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय नहीं की होगी। हो सकता है कि किसी एक घंटे में आपने 20 किलोमीटर दूरी तय की होगी और किसी दूसरे घंटे में आपने क्या किया होगा, यहाँ का जो 5 किलोमीटर था ये आपने यहाँ पे तय कर लिया होगा, यानी यहाँ पे तय कर लिया होगा, यानी आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने 30 किलोमीटर आप यहाँ पे इस घंटे में चल चुके होंगे। यानी एवरेज रेट में क्या होता है बच्चों, कहीं पर स्पीड स्लो होती है, कहीं पर स्पीड बढ़ जाती है, तो वहां पे एवरेज रेट निकाला जाता है कि रिएक्शन का ओवरऑल आपकी कितने घंटे में रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे बड़े टाइम पीरियड की बात की जाती है। ये एक्चुअल में एवरेज रेट जो देखा जाता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद देखा जाता है एवरेज रेट। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ये होता है विद इन अ सेकेंड। तो सर इसका हमसे कैसे ताल्लुकात, अगर हम क्लास 12th के बिहाफ पे बात करें तो हम कैसे बात करेंगे। देखो बच्चों, आपको लिखने के लिए आएगा, बेसिक बात बताऊं तो इसमें कोई क्वेश्चनिंग में आपका कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई इसमें ज़्यादा
चेंजेस नहीं आते क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर बात की जाए एवरेज रेट की, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन जिससे आप फैमिलियर हो चुके हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2C कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात इसको इसका रेट लिखने की बात करूँ, मैं बात करूँ कि बेटा आपको रेट लिखना है, और ये जो रेट लिखेंगे आप ये एवरेज रेट की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? एवरेज रेट की फॉर्म में। तो आप बच्चों इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन टू डेल्टा टी। तो आपने एवरेज रेट को लिखना है डेल्टा की फॉर्म में, ठीक है, डेल्टा फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा ये आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और ये आएगा बच्चों माइनस डी सी अपॉन टू डी टी। तो कुछ नहीं है, इसको डी बाई डी टी की फॉर्म में लिखा जाता है और इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखा जाता है, बस इतना सा अंतर इन दोनों में आता है बच्चों, ठीक है। इतनी सी बात आपको शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसमें मैं आपको क्वेश्चनिंग नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी, आपको केवल बेसिक मैं चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस आपको जरूरत पड़ेगी तो आप, अगर नीड होगी तो आप बताइएगा, मैं क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर या कुछ क्वेश्चंस करा दूँ, ठीक। अब बात करते हैं रेट लॉ की। देखिए रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है, रेट लॉ है सर, आपने एक बेसिक रिएक्शन की बात कर दी, मगर अगर कुछ इस तरीके से मैं बात करूँ कि आपके पास कुछ क्वान्टिटीज दे दी जाए, ठीक है, आपके पास कुछ क्वांटिटीज दे दी जाए, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप कैसे रेट निकालेंगे सर? तो उसके लिए आपके पास इस्तेमाल किया जाता है रेट लॉ का। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए बच्चों रेट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी टाइप की अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ, तो रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी पावर में है x और इसकी पावर में है y बच्चों, ठीक है। अब सर ये x एंड y क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर ये क्या है बच्चों? ये है ऑर्डर, और ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है। इसको या तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर कुछ इस तरीके की हिंट जरूर होगी जिससे आप ऑर्डर डिफाइन कर पाओगे बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं पूरा रेट लॉ लिखूं तो R इज इक्वल टू देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल का साइन अगर लगाया जाता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ के, और ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है आपका? रेट कांस्टेंट बच्चों। अब इस रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आपसे निकाली जाती है, ठीक है, आपसे पूछी जाती है, ठीक। अब बच्चों होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। रेट लॉ आपके पास, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ से आपके पास इतनी बात आपको समझ में आई कि सर R इज इक्वल टू होता है के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। यानी सर ये जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसकी पावर पे जो इसके सर पे चढ़ा होता है ये जो होता है ये सर होते हैं ऑर्डर, और ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकल कर आते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूँ कि सर ये ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज होती है, और ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, और जो कि एक्सपेरिमेंटल वे में निकाली जाती है, ठीक है। आपसे कभी कभार किसी रिएक्शन का अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे
बोलो ठीक है, आपके पास दे दी जाए बच्चों, अगर आपके पास दे दिया जाए 3A+4B+5C गिव्स डी प्रोडक्ट, ठीक है डी प्रोडक्ट। इसके लिए रेट लॉ आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर टू बी टू द पावर फोर एंड सी टू द पावर वन आ जाए। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे रेट लॉ में स्टोयोमेट्रिक कोफिशियंट 3, 4 एंड 3, 4 एंड इस 5 का इन ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें, इस ऑर्डर से कोई ऑर्डर का स्टोयोमेट्रिक कोफिशियंट से कोई कोई लेना देना नहीं होता है, इस बात का आपको नहीं होता है, ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है ये टर्म आपकी एक्सपेरिमेंट से निकल कर आती है, ठीक है बच्चों इस बात को आपको ध्यान। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जहां से बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं रेट लॉ से समझने की बातें हैं। देखिए रेट लॉ से आपको यूनिट देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए बच्चों इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और आपसे कभी कभार दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अच्छा उससे पहले अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं जो ये ऊपर रिएक्शन मैंने आपको कराई है, अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूंगा कि बच्चों मेरे को बताइए इस रिएक्शन के लिए पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों पूरी रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2+4+1, ठीक है प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ये 7 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ऑर्डर में भी ऑर्डर बेटा ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, किसी तरीके का भी आपका ऑर्डर आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। देखिए ये वन शॉट टाइप का मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में ना जाकर मेन मेन जो आपके सारे ही टॉपिक, देखिए मैं जाऊंगा सभी टॉपिक में पर उनमें से मैं मेन मेन सारी बातें आपको करके बाहर टॉपिक से ले आऊंगा या बाहर चैप्टर से ले आऊंगा। सारी आपका मेन टैप पूरा का पूरा जहां से क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसके अलावा ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल क्वेश्चन लगाने हैं जो आपको एनसीईआरटी में इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपके पास कुछ तरीके के क्वेश्चन, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा के की वैल्यू है 5.2 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो बच्चों ये थोड़ा घबराने वाला क्वेश्चन एक उस बच्चे के लिए हो सकता है जिस बच्चे ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं ढंग से पढ़ा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कांस्टेंट के, और ये टॉपिक से न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। अच्छा रेट आपने किस तरीके से डिफाइन किया था, सर आपने रेट लिखा था आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, एन या एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं, एन क्या है सर ऑर्डर है, ऑर्डर ठीक है ठीक है हम जानते हैं, ठीक है। अगर मैं ए टू बी कोई रिएक्शन लेता हूँ तो इसके लिए सर आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, क्योंकि रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, तो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ये आपने रेट लिख लिया। तो सर रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट होता है सर कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन चेंज कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या मैं लिख सकता हूँ इसको मोल लीटर इनवर्स, ठीक है।
और टाइम की यूनिट होती है सर सेकंड। तो इसको रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो रेट को मैंने सर लिख दिया यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट की कोई यूनिट अभी निकल कर आएंगी, पर ये जानते हैं आप ए क्या है सर, ए है कंसंट्रेशन। और सर यहाँ पे क्या था, ये रेट के टाइम पे यहाँ पे भी तो कंसंट्रेशन ही था, तो कंसंट्रेशन की यूनिट आप जानते हैं मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर है ना, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर एन, एन क्या है ऑर्डर है सर, ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, सर ये क्या होगा, ये होगा सर आपका मोल की पावर एन हो जाएगी, लीटर की पावर माइनस एन हो जाएगी। अब अगर के की यूनिट निकालनी हो तो ये सर मैं इसको अपॉन में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल टू द पावर एन और लीटर टू द पावर माइनस एन, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, के की यूनिट आ जाएगी यहाँ से मोर टू द पावर, अगर ये नीचे मोर टू द पावर एन अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे वन है और वो हो जाएगा माइनस एन, तो ये हो जाएगा मोर टू द पावर वन माइनस एन। सर ये लीटर का माइनस वन, एन अगर ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का एन, और आप जानते हैं जब ये घात मतलब ये सेम होता है, सॉरी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे था मैं। अच्छा ये देखिए, मैं ये बता रहा था बच्चों कि अगर आपका ये जो आपकी घाते हैं ये अंश बोलते हैं उसको, यानी एक्स टू द पावर अगर ए है और एक्स टू द पावर आपकी बी आ जाए तो ये अगर सेम होते हैं तो ये घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर ए प्लस बी, इस तरीके से आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना बेसिक बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि बच्चों कई बायो वाले भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो उनके उनको देखते हुए ये मैं बेसिक बातें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मोर मोर टू द पावर माइनस एन, लीटर की पावर माइनस एन है, ये ऊपर जाएगा प्लस एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीटर एन माइनस वन और बच्चों सेकंड इनवर्स। तो जिन बच्चों को ये पूरा याद नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना नहीं आएगा, वो केवल के लिए इतनी चीज याद कर ले, ठीक है, के लिए इतनी चीज याद कर ले। अब इससे सर कैसे होगा, ये यहाँ पर आपका के क्या निकल कर आया है बच्चों, आपका के आया है मोल टू द पावर वन माइनस एन लीटर टू द पावर एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। आप जानते हैं वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर, अगर कोई रिएक्शन बच्चों, इफ इफ एनी रिएक्शन इज इन जीरो ऑर्डर ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई रिएक्शन अगर आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है तो ये आ जाएगा कि इज इक्वल टू मोल टू द पावर वन माइनस जीरो लीटर की पावर जीरो माइनस वन और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा बच्चों मोल टू द पावर वन लीटर टू द पावर माइनस वन और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये के की यूनिट आ जाएगी आपके जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के केस में। यानी क्वेश्चन अगर आपके पास बनता है के इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻¹ मोल की पावर वन लीटर की पावर माइनस वन सेकेंड इनवर्स, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों बेझिझक आपने कह देना है कि सर इसके लिए ऑर्डर आ जाएगा जीरो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर आपके पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की जगह में क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी मोल की पावर वन माइनस वन लीटर की पावर वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, वन माइनस वन जीरो यानी किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन होता है, लीटर की पावर भी जीरो तो वन, यानी के की यूनिट यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड इनवर्स, के की आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन के लिए के की कितनी यूनिट होती है, सेकंड इनवर्स बच्चों यूनिट होती है। अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो सेकंड ऑर्डर तक ही आपके पास जनरली पूछा जाता है, या अगर पूछ भी दिया जाए तो बच्चों घबराना नहीं। देखो कोई भी रिएक्शन आए तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन दे दी जाए तो आपने डरना नहीं और आपने उसके लिए के की यूनिट लिख के दिखा देनी है, ठीक है। कैसे लिख लेंगे, जनरली आपको पता है के इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस एन लीटर टू द पावर एन माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। सर कैसे लिखना है, इस एन की जगह में 2 पुट कर देना है तो मोल की पावर 1 माइनस सॉरी मोल की पावर 1 माइनस 2 लीटर की पावर 2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मोल की पावर माइनस 1 लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। ये आ जाएगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन के लिए के लिए ऑर्डर, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये है, ऊपर वाला भी जो मैंने बताया ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है, मगर आपने जो दूसरी चीज है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एक बार पानी पी लेना फिर आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए अब जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों बनता है, कैसे बनता है, देखिए ए टू बी अगर एक रिएक्शन मान के चलता हूँ, ठीक है, तो अगर अगर मैं बात करूँ बच्चों केस बनते हैं यहाँ पे, एक केस नंबर में फर्स्ट की बात करता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए कि मैंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो मुझे इस डिटेल से बताइए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करना है आप स्वयं सोचिए। देखिए आर इज इक्वल टू होता है के ए टू द पावर एन, ठीक है, a टू द पावर n, ये एक बेसिक रेट लॉ से हमको पता है, रेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा के a क्या है, a को हमने डबल कर दिया, यानी a को क्या कर दिया हमने 2a कर दिया, और सर रेट भी डबल हो जाए, यानी ये 2a जो है बच्चों ये 2a 2a ही रहना चाहिए, समझिए आप बात को, रेट डबल यानी r इज इक्वल टू r के इक्वल में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये 2 ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, ऊपर क्या हो जाए, ऊपर क्या हो? अच्छा कांस्टेंट, सॉरी 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 सॉरी, देखिए रेट क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी मैंने देखा नहीं था मैं, रेट कांस्टेंट है। तो देखिए बच्चों रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब r इज इक्वल टू के होना चाहिए, r को इस कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे, इस कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सर इसके पावर में n है, अगर n क्या है ऑर्डर है, तो इसकी पावर में मैं कुछ ऐसे टर्म ले आऊंगा कि ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो किसी की पावर में अगर 0 रख देते हैं तो ये वाली पूरी टर्म 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा सर, कि r इज इक्वल टू के 2a की पावर अगर मैं 0 रख दूं तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा सर। तो रेट कांस्टेंट कब आता है सर, रेट कांस्टेंट आता है आपका जब ऑर्डर क्या हो, n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा केस स्टडी क्या है कि सर इसी केस में मैं अगर कुछ इस तरीके से बात करूं, रेट इज इक्वल टू था k a टू द पावर n, क्वेश्चन दिया गया हो कि रेट को डबल करने किसको डबल करने पर, कंसंट्रेशन सर, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए और रेट भी सर डबल हो जाए, क्या हो जाए, रेट भी डबल हो जाए, तो आप कैसे बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किया जाते हैं, सेम वही भंडा चलाएंगे हम। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा के, देखो कंसंट्रेशन डबल कर दी यानी इसको 2a कर दिया टू द पावर n। देखिए बच्चों ये टू
रेट भी जो है वो डबल हो जाता है, यानी रेट के इक्वल में टू रहना चाहिए। मतलब ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी बनी रहनी चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी रेट भी डबल होगा। यानी इसमें हम क्या ऐसा रखें, एन की जगह में हम क्या क्या ऐसा रखें कि जो कंसंट्रेशन टर्म है इस पे कोई चेंज ना आए, यानी एन की जगह में हम वन रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के ए, यानी रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया है, रेट भी डबल हो गया है। तो यानी यहाँ पर ऑर्डर जब फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो कंसंट्रेशन के डबल होने पर रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है बच्चों। अब केस नंबर थर्ड की मैं बात करूं, तो केस नंबर थर्ड कैसे आता है कि रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। हाँ ठीक है कि सर आपके पास कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया और जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। सर कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम इंक्रीज वो रेट हो गया है सर। तो 4 टाइम इंक्रीज कैसे होगा, देखिए रेट अगर आपसे इस डिटेल ये डिटेल देखे और आपको और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो आर इज इक्वल टू होता है कि रेट को डबल किया है, यानी ए को 2 ए कर दिया है, और ठीक है कंसंट्रेशन को, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो यानी ए को 2 ए कर दिया है, तो पावर में क्या है एन। तो ये हम ऐसा एन की जगह में क्या रखें कि 4 टाइम बढ़ जाए, यानी यहाँ का 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी एन को हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा के 2 ए की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 4 के ए का स्क्वायर। रेट कितने टाइम बढ़ गया, रेट सर 4 टाइम बढ़ गया, यानी यहाँ पे किस तरीके की ऑर्डर है, ऑर्डर है आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात शायद होपफुली आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, अब कुछ नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको कि आपका बहुत सारा पोर्शन कवर अप हो चुका है। देखो बच्चों, आपको थोड़ा विजिबिलिटी अभी प्रॉब्लम हो गया था, मैं इतने तक हम लोगों ने समझ लिया था, इसके बाद का जो चीज़ें हैं आप लोगों को दिखना बंद हो गया था। ठीक है, इसके बाद की चीज़ें आप लोगों ने देख नहीं पाए थे, विजिबिलिटी ऑफ हो गई थी। तो अब हम समझ लेते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको एक बार फिर से कि बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया है उसमें क्या एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि आपके पास एक्स टू वाई एक रिएक्शन जा रही है जो कि एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, और एक्स की कंसंट्रेशन मैंने 3 गुना बढ़ा दी है, 3 टाइम्स बढ़ा दी है, तो रेट पे सर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेट पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, रेट इज इक्वल टू आप रेट इक्वल टू लिखेंगे के एक्स टू द पावर 2, 2 क्यों, क्योंकि बेटा सेकंड ऑर्डर बोला गया है इसलिए हमने 2 रखा है, बोलो 3 टाइम्स बढ़ा दी है एक्स की कंसंट्रेशन, तो एक्स को हमने कितना कर दिया, 3x, तो रेट ओवरऑल क्या हो जाएगा, रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी है, और भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस इस अभी एनसीईआरटी के हो जाएंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मॉलिक्युलैरिटी की बात की थी कि मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे हम बात करें इस रिएक्शन की जो अभी मैंने ऊपर अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस की, एक्स टू वाई, अगर मैं बात करूं कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी, तो सर इसकी मॉलिक्युलैरिटी होगी यूनिमॉलिक्युलरी रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें एक्स से वाई बन रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी, 1। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्युलैरिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर ही क्या होते हैं, मॉलिक्युलैरिटी होती है। ठीक है, अब बात की जाए सर, जैसे ये 2a+b है, तो सर इस तरीके की रिएक्शन में क्या है, देखिए 2a+b है, गिव c बना रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, जो मेन पोर्शन है जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट आप समझ लीजिए केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट हो रहा है, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वहीं से बनते हैं बच्चों। यहाँ इससे पहले थोड़ा सा पहले से विजिबिलिटी ऑफ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, एक बार टाइम पे देख गया ताकि आप ज्यादा आगे नहीं बढ़े इसलिए रिवीजन कर पा रहे हैं। देखिए बच्चों,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपकी बुक में, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हमको ये समझना है कि होता क्या है इंटीग्रेटेड रेट। कभी आपसे हाफ लाइफ टाइम किसी भी रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो हाफ लाइफ टाइम जब भी निकलनी हो तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकलती है, जो आपकी बुक में आपको दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों सॉरी डिस्टर्ब मत होना, मेरे को जुकाम भी लगा हुआ है, तो कैसे भी करके क्लासेस चल रही है, मतलब ले रहा हूँ मैं क्लास, तो प्लीज़ ठीक है इसको माइंड मत कीजिएगा। तो बच्चों मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ करवा रहा हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए सब कुछ दैट, जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन मान के चलते हैं, ऐसे हम यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन मान के चलेंगे। सर ए टू बी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, समझ रहे हैं, ए टू बी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे ए की कंसेंट्रेशन स्मॉल ए है। ठीक है, तो भैया टी इज इक्वल टू जीरो टाइम का मतलब होता है, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना होगा। ऑब्वियस बात है, जब भाई रिएक्शन रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, खत्म होता है, तो ही बी बनता है। तो इसका मतलब ए से बी जो रिएक्शन गई है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो टाइम, ए की कंसेंट्रेशन जो है जो कि त्यों वैसी की वैसी बनी रहेगी, प्रोडक्ट बिल्कुल भी अभी फॉर्म नहीं होगा टी इज इक्वल टू जीरो टाइम। अब सर टी इज इक्वल टू टी टाइम, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, टी इज इक्वल टू टी टाइम का मतलब है आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद इस ए में से कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो जाता है, जितनी कंसंट्रेशन ए की खत्म होगी, ऑब्वियस सी बात है इतना बी ने बनना है। किसी भी केमिकल काइनेटिक्स के रिएक्शन में आप इस रेत वाले टाइमर को ध्यान रखना, ए में से जितना खत्म होगा वो ए साइड और ये बी साइड, ए में से जितना खत्म होगा वो बी बनेगा। तो ए में से एक्स डिकम्पोज हुआ तो इधर क्या बन चुका है, एक्स बन चुका है। ठीक है, याद रखना बच्चों। अब हम क्या करते हैं रिएक्शन को इजी बनाने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। ए को हम मान लेंगे सी नोट और ए माइनस एक्स को मैं मान लूंगा सी टी। ठीक है बच्चों, इतनी बात को ध्यान रखना। ये सर क्यों किया जा रहा है, ये रिएक्शन के जो इंटीग्रेशन पॉइंट है इसको इजी बनाने के लिए किया जा रहा है। सी नोट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और सी टी क्या है, आफ्टर कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम के बाद ए की कंसेंट्रेशन है सी टी। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान, ठीक ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है, अगर मैं जीरो ऑर्डर की इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं तो रेट क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों तरीके से मैं रेट लिखता हूं। पहला रेट आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये पहला जो रेट लॉ मैंने समझाया था उस तरीके से लिखा है, और दूसरे तरीके से क्या आ जाएगा के ए टू दी पावर एन, एन कितना है, ऑर्डर कितना है, जीरो है, एन की जगह में रखा जीरो, तो यानी क्या आ जाएगा ये के आ जाएगा, यानी इसके लिए मैं अगर रेट लॉ डिफाइन करूं तो रेट लॉ क्या आ गया मेरा, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस इतनी रेट की जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट लिमिट के साथ में बोथ साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, इस डी टी को मैं इधर ले गया और मैंने बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है,
फोर्थ साइड में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, माइनस बाहर इंटीग्रेशन करूंगा मैं, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन। के का इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ सर? के क्या है? रेट कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो आता है, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाता है। तो अब लिमिट कितनी लगेगी सर? ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी थी? कंसंट्रेशन थी सर, कंसंट्रेशन थी सर सी नोड से सी टी, इसकी लिमिट लगेगी सी नोड से सी टी, इसकी लिमिट लगेगी। तो कंसंट्रेशन की लिमिट आ जाएगी सी नोड से सी टी, ठीक है। और टाइम कितना था सर? जीरो से टी टाइम तक इसकी लिमिट लगेगी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको थोड़ा बेसिक बातें बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर यहाँ पे वन होता है इसका मैं डी एक्स करता तो ये आता एक्स, अगर यहाँ पे वन होता मैं इसका डी वाई करता तो ये आता वाई, अगर मैं यहाँ पे वन होता इसका डी टी करूँगा तो ये आएगा टी, अगर यहाँ पे वन है मैं इसका डी ए करूँगा तो ये आएगा ए, यहाँ पे वन है और मैं इसका डी बी करूँगा तो ये आएगा बी। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इसको वन मान के हम चलते हैं, और वन मान के चलेंगे तो डी ए क्या आएगा? ए, तो माइनस ऐसे रहेगा ए आ जाएगा। ए के साथ जो लिमिट है, अभी लिमिट नहीं खुली है, लिमिट कैसा फॉर्मूला खुलता है मैं बताऊंगा आपको। के ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे वन मान के चलेंगे ऊपर भी, यहाँ पे वन का डी टी क्या आ जाएगा? टी, और टी के साथ भी लिमिट ऐसे ही रहेंगी जीरो और टी। अब लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? कभी भी किसी भी चीज पे लिमिट लगी होगी, लिमिट लगी होगी, जैसे ये सी नोट और सी टी है सर, लिमिट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, याद रखना है इसको। तो माइनस बाहर है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माने सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू के और टी माइनस जीरो, टी इसमें रखना है टी माइनस जीरो। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया माइनस चार, जैसे ही अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ आ चुका है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपके पास, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपके पास आ चुका है, ठीक है। अगर बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, क्या था, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ, देखिए रेट क्या आ रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट आ रहा है। चलिए पहले और बातें डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में इस बात को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, C नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए निकल कर आया है, ठीक है। व्हाट इज सी नोट? सी नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और सी टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किसी कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज दैट सर ए टू बी कोई रिएक्शन हो रही है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सर कुछ है, फाइनल, फाइनल कंसंट्रेशन सर इतनी हो चुकी है, और ये जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया है सर, ये आया है सपोज दैट कुछ टाइम में, ऐसे 10 मिनट में, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होता, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू होता, के क्या होगा, के की वैल्यू बताइए, तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास हाफ लाइफ टाइम पूछ लिया जाए, तो हाफ लाइफ टाइम सर, इसके लिए अगर हाफ लाइफ टाइम निकालना हो तो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाए? हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूँ हाफ लाइफ टाइम कैसे निकलता है, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए निकल कर आ चुका है, ठीक। अगर मैं हाफ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम की बात करूं जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों? कि जब रिएक्शन ठीक आधी हो चुकी होगी, यानी मैंने आपके पास अगर शुरुआत में सी नोट कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो जब वो आधी हो चुकी होगी, अच्छा समझो, सी नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस सी टी क्या है? After t time के बाद concentration is equal to kt। Half life time होता है जब reaction
ठीक आधी हो चुकी होगी बेटा। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ऐसी रहेगी, सी नोटी रहेगी, मगर यहाँ पे सीटी, सीटी क्या होगा आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन। और टी टाइम कब है, मतलब हम कब निकाल रहे हैं, जब सर रिएक्शन ठीक आधी हो चुकी है, मतलब शुरुआती कंसंट्रेशन की आधी, यानी सी टी यहाँ पर क्या होगा सी नोट बाई टू, यानी जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी होगी, वो होता है हाफ लाइफ टाइम। 50% कंप्लीट का मतलब, अगर मैंने सर शुरुआत मतलब अगर मैंने सर आपके पास 100 रुपये दिए हैं, तो मैंने कहा है कि 10 सेकंड के बाद मेरे को आप ठीक इसका आधा करके दो, तो 100/2 तो करोगे ना आप ही। तो भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसी सी नोट है, और सी टी क्या है आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन। आफ्टर टी टाइम मतलब 50% डिकम्पोज होने की बात कर रहे हैं हम, हाफ लाइफ टाइम। तो बेटा हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा, सी टी आ जाएगा, इसके लिए सी नोट बाई टू, सी नोट बाई टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सी नोट बाई टू आ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना, इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ के टी टी हाफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसको इधर इंटू करेंगे तो सी टी सॉरी इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस बात को कतई भी नहीं भूलना कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, सी नोट बाई टू के होता है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आपको क्या करना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, इस बात का, इस बात को भूलना होता है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, अगर अगर बच्चों अगर इस बार अगर रिएक्शन 50% की जगह रिएक्शन अगर 100% कंप्लीट हो जाए, 100% कंप्लीशन कंप्लीट हो जाए, तो ए टू बी सर रिएक्शन चल रही थी, ए की कंसंट्रेशन ए मानी हुई थी, जीरो इधर बन रहा था कितने पे, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, टी इज इक्वल टू टी टाइम के बाद ए में से एक्स चला गया, इधर बन गया एक्स, ए को मान लिया था हमने सी नोट और ए माइनस एक्स को मान लिया था हमने सी टी, ठीक है, यही हुआ था, है ना। अब हम कह रहे हैं सर रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी इसका फॉर्मूला निकल कर आया था सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए ये निकल कर आया। तो सर इनिशियल कंसंट्रेशन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब पर सी टी क्या है, सी टी है आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, और जब रिएक्शन ही कंप्लीट हो चुकी है, तो जब रिएक्शन ही कंप्लीट हो चुकी होगी तो जो रिएक्टेंट साइड में कंपोनेंट ए था वो जीरो हो चुका है भाई, सारा का सारा प्रोडक्ट बन गया, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो सी टी क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू के टी, बच्चों सी नोट इज इक्वल टू के टी 100%, और टी 100% निकालना होगा अगर आपको, तो ये हो जाएगा सी नोट बाई के, सी नोट बाई के को हम बोलते हैं टी 100%, इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, सी नोट इनिशियल सी नोट क्या था, अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाऊं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको थोड़ा बहुत रूबरू करवाता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि आपसे पूछ लिया जाए कि सी नोट वर्सेस आपका टाइम का क्या ग्राफ होगा, तो सी नोट वर्सेस टाइम, आप देखिए बच्चों सी नोट और टाइम में आपने कहीं पर रिलेशन देखा था, ये देखिए क्या आ रहा है, सी नोट इज इक्वल टू टी हाफ, है ना, T 100%
एक सेकेंड, टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट, अच्छा एक बात बच्चों ध्यान रखना, एक बात आप लोग इस बात को आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं सी नोट वर्सेस टाइम के ग्राफ, ठीक है, तो आप देखिए कि अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो मैं अगर इसको लिख दूं, मैं अगर सी नोट माइनस के टी इज इक्वल टू क्या लिखूं, सी टी, सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सी नोट माइनस के टी, ठीक है, सी नोट माइनस के टी। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना एक बात का आपको ध्यान रखना है, सी नोट माइनस के टी आपको शो कर रहा है, सी टी क्या है, सी टी है आपका कंसंट्रेशन एट टाइम, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। सी नोट क्या है, सी नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। आप वैसे भी जानते हैं, देखिए देखिए आप बच्चों वैसे भी जानते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो लगातार समय के साथ घट रहा है, लगातार समय के साथ घट रहा है। छोड़िए इस बात को भी रहने दीजिए, इसको समझिए। आपको पता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में आपने अभी अभी देखा है कि सर समय के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लगातार घट रही है ना, लगातार घट रही है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी नोट और टाइम के बीच में ये ग्राफ निकल कर आपका आएगा। कोई भी पूछ ले सी नोट और टाइम के बीच में इस तरीके का ग्राफ कहाँ पर निकल के आता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में निकल कर आता है, ठीक है। और ग्राफ देखते हैं, अगर हमको हमको दे रखा होगा एक्स एक्स प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्स प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा रिएक्शन क्या थी, सी नोट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। अच्छा बच्चों एक्चुअल में क्या था, सी नोट क्या था बच्चों ध्यान से समझना, सी नोट था आपका ए, ठीक है, और सी टी क्या माना था हमने, सी टी किसको माना था, हमने माना था ए माइनस एक्स को इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए और अंदर ये हो जाएगा प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू के टी, ए माइनस ए से तो कट गया, ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के टी। तो आप देखिए जो टाइम है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स के, एक्स और टी इक्वल है एक दूसरे के, यानी आप ये समझिए कि एक्स क्या था, एक्स क्या था सर, एक्स था आपका, एक्स वो अमाउंट था जो डिकम्पोज हो रहा था, वो अमाउंट रिएक्टेंट का अमाउंट था जो खत्म हो रहा था, जो क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था। तो एक्स टाइम के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी बच्चों एक्स कौन सा है जो प्रोडक्ट में बन रहा है, यानी समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाता है और एक्स बढ़ता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाएगा ना, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे होगा, एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आपके पास निकल कर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं एक और ग्राफ की बात करूँ जो आपसे कभी कभार पूछ लेता है, ये तो पूछा गया है, ये काफी बार पूछा गया है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो बच्चों आपको पता है, आपने अभी भी देखा था और पहले भी देखा था कि रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, कैसे आपने मैं आकर आपको याद दिलाऊं, तो R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n और n की जगह में क्या रखा था आपने जीरो, तो R इज इक्वल टू के, जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। यानी अगर आपका आप ध्यान रखना, अगर आपसे कंसंट्रेशन दे दी जाए एक ही और रेट पूछ लिया जाए तो रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ये रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ आप लोगों के सामने है, ठीक है। आपको मैंने दोनों चीजें, ये चीजें आपको मैंने समझा दी है, ठीक। अब इसके बाद आता है, इसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर,
मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी बातें बता दी। अगर मैं अब बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को मैं आपको समझा तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा आता है बच्चों? इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे होगा? सेम यहां पर हमने ये डिफाइन कर चुके हैं कि ऑर्डर क्या है, वन है, ठीक है। अगर मैं ए टू बी कोई रिएक्शन लिखूं और यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे ए की कंसेंट्रेशन मान लो ए और बी की कंसेंट्रेशन ले लो जीरो, ठीक है, क्योंकि शुरू नहीं हुई है रिएक्शन, t इज इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई। t इज इक्वल टू t टाइम पे ए में से x अमाउंट डिकम्पोज हो गया, इधर बन गया x, ठीक है, वही करना है। a को हमने क्या ले लेना है, c नोट मान लेना है और a माइनस x को मैंने मान लेना है ct, ठीक है, ये माना गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया था। R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट लिख रहा हूँ मैं दोनों तरीके से, तो ये आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू अब ये पहले वाला रेट लॉग के तरीके से, पहले वाले जो रेट लिख रहा था उस तरीके से, अब दूसरे तरीके से जब रेट लिखा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका K a टू दी पावर वन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे तो ऊपर वन आएगा पावर में, तो के ए। तो बच्चों इस बार क्या आया है, इस बार आपके पास रेट निकल कर आया है आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, ठीक है। अब ये आपके पास दोनों रेट निकल कर आप लोगों के पास आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेट्स को ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ले लिया हमने, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए आ गया है मेरे पास। ये एक जैसे टर्म को मैं एक साथ ले लेता हूँ, यानी ए को इधर अपॉन में और डी टी को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, 1 अपॉन x का dx किया जाता है तो log x आता है, 1 अपॉन y का dy किया जाएगा तो ये क्या आएगा, log y आएगा। वैसा ही अगर मैं इसको लिखूं तो 1 अपॉन a का जो ये dA लिखा गया है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग आपका आ जाएगा। ये लिखा है कभी मैंने केवल अभी बताया नहीं है कि कैसा लिखना है, देखें ये अलग करके लिखा है मैंने केवल मोबाइल अपॉन ए डी ए, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट तो सर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया है हमने विद लिमिट। अच्छा मैं एक बार से एलाबोरेट कर देता हूँ विद लिमिट, तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए इंटीग्रेशन करते हैं हम सी नोट से सी टी, कंसंट्रेशन की लिमिट सी नोट से सी टी, डी ए इज इक्वल टू के और टाइम की लिमिट जीरो से टी डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है, और लिमिट लग गई है इस पे सी नोट से सी टी इज इक्वल टू के टी और लिमिट लग गई है जीरो से टी कैसे है, वन का डी टी करते हैं तो टी आता है, मैंने पीछे बता दिया था। अब माइनस बाहर ही रहेगा, नेचुरल लॉग ए पे हमने लिमिट लगाई तो नेचुरल लॉग ए पे लिमिट लगेगी नेचुरल लॉग सी टी माइनस नेचुरल लॉग सी नोट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो, ठीक है, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग सी नोट माइनस नेचुरल लॉग सी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो नेचुरल लॉग सी नोट माइनस
नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग सी टी इज इक्वल टू के टी, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि लॉग एम माइनस लॉग एन को लिखा जाता है लॉग एम अपॉन एन, ऐसे ही लॉग सी नेचुरल लॉग सी नोट माइनस नेचुरल लॉग सी टी को लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब इस नेचुरल लॉग को लॉग में बदलना हो तो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, ठीक है। तो इसको बदल दिया मैंने 2.303 लॉग सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। बच्चों अगर यहाँ से t निकालना हो तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन k log c नोट बाई सी टी, और अगर आपको k निकालना हो तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t log c नोट बाई सी टी। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका फर्स्ट ऑर्डर का आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। अब इसमें बच्चों अगर आपको क्या समझना हो, इसमें अगर आपको हाफ लाइफ टाइम समझना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ टाइम समझनी हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो कैसे समझेंगे। k इज इक्वल टू था 2.303 अपॉन t log c नोट अपॉन ct। आप जानते हैं हाफ लाइफ टाइम मतलब 50% रिएक्शन का कंप्लीट होना, कंप्लीटेड, ठीक है। इसका मतलब सर इनिशियल तो इनिशियल ही रहेगा, मगर जो CT है आफ्टर T टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो ठीक इनिशियल की आधी हो चुकी होगी, यानी C नोट बाई टू, यानी CT की जगह में क्या रखेंगे C नोट बाई टू। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log C नोट बाई CT की जगह में क्या रखेंगे C नोट बाई टू। C नोट से C नोट कट गया और सर ये हो जाएगा log, यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t log 2, log 2 की वैल्यू होती 0.3010, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t log 2 होता है 0.3010, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 0.693, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है आपके पास 0.693 अपॉन टी, या टी हाफ निकालना हो, ये टी हाफ है बच्चों, हाँ याद रखना है इसको, ये टी हाफ है, टी हाफ है याद रखना, टी हाफ इज इक्वल टू आएगा 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये हाफ लाइफ टाइम निकलता है फर्स्ट ऑर्डर के, याद रखना इस, ठीक है, याद रखना आप ने इस बात को बिल्कुल आपने भूलना नहीं है, ठीक है। आपकी आधी से ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर अब लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ध्यान से समझना। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास चार फैक्टर है। एक है आपके पास कंसंट्रेशन फैक्टर, कि सर कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है। दूसरा है आपके पास टेम्परेचर, तीसरा है आपके पास प्रेशर, चौथा है आपके पास कैटलिस्ट। सर आपने हमें ये समझाना है कि ये फैक्टर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, या फिर इसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इनको समझने से पहले हम लोगों को समझनी होगी कॉलिजन थ्योरी हमको समझनी होगी, और कॉलिजन थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग मुझे बताएंगे, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास आपने जो ली है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम है शुभम सुंदरिया, आपका
केमिस्ट्री एजुकेटर, थैंक यू। ठीक, और कोई भी डाउट तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।